It's fourth day today and I've been waking up every day at 4:30 AM. तो कोई मुझे बोल नहीं सकता कि तुम्हारी आदतें खराब है. Discipline is very important in life and I'm following it. I'm gonna go for some workout and make myself go through some pain in the morning. क्योंकि मेरे ट्रेनर के पास यही टाइम है. क्या कर सकते हैं भाई साहब. और लोगों को शायद लगता होगा कि सुबह सुबह का वर्कआउट लाइफ के लिए बेस्ट होता है, ठंडा ठंडा वेदर होता है. मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है बाहर आजकल. 2-3 किलोमीटर दौड़ना और जुम्मा जुम्मा 4 एक्सरसाइज करते करते ऐसे ऐसे हाँफना शुरू हो जाता हूँ मैं. आज थोड़ा बेटर तो लग रहा है वैसे. देखो क्या होता है. मैं सोच रहा था वो वीडियो बना दूँ. आई वोक अप एट 4:30 AM फॉर 30 डेज. मैं बना दूँ पर मैं कभी कभी 4:35-40 भी कर देता हूँ, इसलिए वो बन नहीं पा रहा. उसके लिए एग्जैक्ट 4:30 उठना पड़ेगा. देखो भाई साहब क्या है ना, अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट का फायदा तो है क्योंकि आप 4:30 बजे उठो, एक घंटा थोड़ा चाय वे पियो आराम से, चाय मतलब ग्रीन टी नॉट द रेगुलर टी, और फिर आप नीचे जाओ थोड़ा करो वर्कआउट 5:30 से 6:30 तक, एक घंटा सवा घंटा, और फिर उसके बाद आधा घंटा मैं बिताता हूँ लोगों से बातचीत करने में. मेरे को देखो बहुत शौक है अड़ोसी पड़ोसी अंकल आंटी सबको नमस्ते नमस्ते बोलने का, और थोड़ी बहुत बातचीत कर लो, हलचल पूछ लो. भाई सब क्या बुरा है, आज के जमाने में लोग अपने पड़ोसियों से आंखें मिला के राजी नहीं, तेरे बुरी तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना. अड़ोसी पड़ोसी से बातचीत करके रखो, बुरे वक्त में वही काम आते हैं, नहीं भी काम आते तो कोई बात नहीं ना. क्यों बुरा लगता है लोगों से बात करना, क्यों शर्माते हैं हम लोग. क्या सिर्फ हम लोग अब नए लोगों को ऑनलाइन ऐप के थ्रू ही मिलेंगे. यहीं एक अगर ब्रांड इंटीग्रेशन आ जाता ना मजा आ जाता, पर कोई इंटीग्रेशन नहीं है. तो बस अभी घर पे आया हूँ, थोड़ा जोश में, तो मैंने कहा व्लॉग बना दिया जाए. तो दोस्तों उठो 4:30 बजे और बनाओ व्लॉग. क्या बुरी बात है, एक महीना तो देखो मेरे को मुश्किल लग रहा है 4:30 लगातार उठने का. कल एक और दिन उठ जाऊंगा, फिर 2 दिन तो भाई साहब छुट्टी बनती है कि नहीं. ऑल्सो एक और चीज की, आज मैं सुबह उठा तो फोन देखा तो 2 लाख सब्सक्राइबर अपने पूरे हो गए. थैंक यू सो मच दोस्तों. देखो देखा जाए तो एक नंबर ही है, पर अच्छा लगता है यार जैसे ही पूरा होता है ना. जैसे कि अगर आपको ज्यादा ज्ञान पीने के हिसाब से बोलता दोस्तों, मेरे लिए तो 10 लोग भी भाई थे, 100 भी भाई, 1000 भी भाई और 2 लाख भी भाई. जी नहीं, 2 लाख, 10 और 1000 और 1 लाख से ज्यादा होता है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि वी स्टार्टेड समथिंग इन दी लॉकडाउन, जो कि श्रेया मेरे को बोल रही थी पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से. हमने फर्स्ट जब यूरोप ट्रिप करा था, मैं कैमरा भी लेके आए थे, श्रेया ने बोला था ब्लॉगिंग शुरू कर, और मैं कहा मैं नहीं कर रहा है सब. पर लॉकडाउन में मजे में स्टार्ट करा एंड टुडे वी आर एट 2 लाख. सो थैंक यू सो मच. बाकी चलते रहेंगे रेगुलर ब्लॉग जैसे आते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं नई चीज कुछ बना दूंगा. तो मैं क्या कह रहा हूँ, 3 लाख कर दिया जाए जल्दी जल्दी. लालच की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों. और दोस्तों वो रही श्रेया योगा करते हुए, बहुत ही ज़्यादा धुंधला दिख रहा होगा, पर हाँ वो वहीं पे उन्हीं 3 लड़कियों में से कोई एक है, मुझे भी नहीं पता चल रही कौन थी, आई थिंक बीच वाली है. हाँ तो चल रहा है श्रेया का योगा. हमारा पूरी कसरत सोसाइटी है, सबके सब मोहल्ले के लोग सुबह से उठ के कसरत करते हैं भाई साहब, मज़ा आ जाता है एकदम. तो अगर श्रेया होती तो वो भी आपको थैंक यू बोलती, पर अभी श्रेया का स्पॉट चल रहा है और मेरा नहीं है. दोस्तों 2 लाख की खुशी के चक्कर में मैंने कहा ज़रा आज थोड़ी खुशियाँ मनाई जाए, उस चक्कर में मैं नीचे आया. मैंने कहा एक दोस्त के घर जाऊंगा और देखते हैं, आपको दिखाते हैं खुशियों की शुरुआत कैसे हुई है. टायर पंचर, ये देखिए भाई साहब फुल पसीने में, भाई भी आगे काम कर रहे हैं इधर, और मेरे पूरा चक्कर लग गया, प्लान था कहीं जाने का, आधा घंटा डिलेड, पूरा टायर पंचर है. पता नहीं परसों हम लेके आया तो एकदम मस्त था, हवा थोड़ी कमी थी पर मार गया पंचर. अब ये करने में टाइम लगेगा. कील लगा हुआ है, दिख रहा है क्या सीधा, ये देखो दोस्तों इतना मोटा कील, साला कहाँ से लग गया ये, इतना भारी कील, ये सड़क पे रखा रखा होगा किसी ने. नहीं गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, मेरे को तो क्या भाई की तो और बुरी हालत हो रखी होगी. सड़कों पे मत फेंका करो यार कील. सड़क नहीं नहीं है कील, सड़क की नहीं है, किसका कील है, नहीं है वो, जब वायरिंग वायरिंग होता है तो उसका ही सड़क पे फेंकी होगी ना किसी ने. नहीं है, गाड़ी उड़ी पे जाता है तो कील उड़ जाता है. अच्छा गाड़ी पे जाता है तो कील गिर जाता है और मेरी. तो भाई कह रहे घर में कुछ फिटिंग्स वगैरह में कील लगता है, वो वाला कील है. चपनी मत लगा यार, सीधा ऐसे लगा के ले चल, लगा के ये लगा दियो. अरे भाई देखो गाड़ी के साथ क्या हो गया अपनी नवी गड्डी. चले भाई चलो खेलते खेलते, इतनी बुरी पंचर हुई है. ये देखो दोस्तों ये इस लेवल का पंचर गया, ये अंदर का रिम बिम भी फर्क पड़ा होगा उस पर कुछ. नहीं इस पर नहीं आया होगा ना. और ये रहा कील, इतना मोटा कील ढुका पड़ा है भाई, कहाँ से पता नहीं. चलो ठीक है भाई करके लाते. ये रहा कील इतना मोटा. ये रही मेरी 2 लाख सब्सक्राइबर पे पहली हैप्पीनेस, पूरा छल्ला बना के छेद मारा वो साले ने. अरे भाई चेक कर रहे हो और कोई पंचर तो नहीं है, वही चेक कर रहे हो ना. एक तो सामने सामने दिख रहा था, ये मस्त जुगाड़ भाई, टायर काट के उसके अंदर पानी भर के, ताकि रोलिंग में भी आसान हो जाए और पता भी चल जाए. इतना टायर पूरी बाल्टी रख के डालते थे. मतलब भाई बोलने की बात है कितना मुश्किल है आज के टाइम में वैसे भी पैसा कमाना,
इतनी भयंकर हैवी गर्मी पड़ रही है, मतलब बता नहीं सकता हूँ भयंकर गर्मी। और भाई इस धूम में बैठ के पंचर लगा रहे हैं। मोहम्मद दौड़ रहा है ना, हैं भाई ने मेरे को दे दिया आगे का रिस्पॉन्सिबिलिटी की पार्किंग, तो आप लेके चलो ले चलता हूँ, कोई नहीं ले जाएगा। अरे मेरे पास की कुछ नहीं, मेरे पता चल गया। हाँ आई डोंट नो आप लोग दिख सकते हैं कि नहीं, पर हालत देख लो मेरी, मतलब पसीने में तर बतर। और यार मैंने मतलब लिटरली कुछ काम करा भी नहीं है, मैं बस वहाँ गया हूँ भाई को बुला के, एकदम वैसे 5 मिनट की दूरी पे भी नहीं था, जितने पास मेरे घर से ठेका है उससे भी पास पंचर की शॉप है। और हालत देख लो मेरी पसीने की, इसमें ये बंदे दिन रात काम कर रहे हैं और कुछ पैसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इट्स वेरी घर चलाने लायक पैसे ही लेते हैं। बहुत डिफिकल्ट है भाई पैसा कमाना, जो भी लोग देख रहे हो सच बता रहा हूँ, मेहनत कर लो जिंदगी में, हो गया मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ मैं, पर सच में यार मतलब हैट्स ऑफ, मतलब भयंकर धूप है, भयंकर धूप। और भाई ने एक मिनट के लिए नहीं बोला कि अभी नहीं आ रहा शाम को आऊंगा, कुछ नहीं, मैंने बोला भाई मेरे को कह रहे अभी बंदा नहीं है मेरे को, मैं जा नहीं सकता दुकान से, मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा भाई चल ले मेरे को ही जाना है। भाई एक मिनट में अपना वो जैक लेकर के आ गया और लगा लो 15 मिनट, मेरे को लगता आधा पौना घंटा जाएगा, और भाई ने 15 मिनट पूरा मामला निपटा के दे दिया। और सही है भाई, थैंक यू सो मच। क्या नाम था भाई का? नवाब नाम था। और बाकी चीज छोड़ो दोस्तों, हैप्पी 2 लाख हो गया, फर्स्ट पप्पी मिल गई गाड़ी को, आज पार्किंग में लगाई थी मेरे डेफकॉल में कहीं, तो कोई साइड से चिपका गया और मेरे सामने ही लगी, और मैंने उसको बोला भैया क्या कह रहा, भैया सॉरी, और निकल गया भाई। ये देखो हल्की हल्की मार दी है, लगाना पड़ेगा आप कुछ। तो दोस्तों आज सुबह गाड़ी पंचर सही कराने के बाद और एक बार गाड़ी ठुकवाने के बाद मैं आया हमारे फाजिल दोस्त विक्रम जीत के घर, और मैंने विक्रम जीत को बोला चलो वैसे यूजुअली विक्रम जीत पूरा सिंपल आप सिंपल लगा के जाते हैं ना, सिंपल वगैरह लगा के प्रॉपर फिक्स होकर के जाते हैं शो वो करने, और ये मेरी आउट ऑफ और मैं आज ये मैं ये बता रहा पहला कमेडियन है जो उनके घर आया आज, ये शिफ्टेड डिस्प्लेस नाउ। तो मैं आया विक्रम जीत घर और फुल भयंकर धूप थी भाई 15 मिनट पहले, और मैंने नमस्ते भाई साहब कैसे हैं भैया, मैं खड़े होकर देख रहे क्या कर रहे हो जी। तो एक घंटे पहले भाई भयंकर धूप थी, दिल्ली का वेदर अलग ही हो रखा है, तो मैंने विक्रमजीत को बोला कि चलो शोरमा खाने धूप में, कह रहा भाई मैं नहीं निकल रहा घर के बाहर। और आज विक्रमजीत ने मुझे मस्त भरता खिलाया है, नाम आशु भरता, और प्री कुक्ड पराठों के साथ भरता बहुत स्वाद था, पर हल्के से उसमें चकत्ते रह गए थे मोटे मोटे, पर बढ़िया। तो विक्रमजीत क्या सीन है फिर अभी कॉमेडी का बता दो, और तब से लेके अब तक हम कम से कम 15 कमेडियन को गाली दे चुके हैं और उनके मैनेजर्स। तक जब भी दो कमेडियंस मिलते हैं तो क्या करते हैं, बाकी कमेडियंस को गाली देते हैं ना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सब कमेडियंस को गाली देने का। पर हाँ अभी वो पूछते हैं ना, गिव अस टिप्स फॉर कॉमेडी, हाउ टू बिकम अ कॉमेडियन, फर्स्ट टिप इज स्टार्ट हेटिंग अदर कॉमेडियंस। कोई अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है तुम्हें उसको गंदा ही बोलना है। और किसी भी कॉमेडियन को मैं लेता हूँ ना व्लॉग में, शुरू के 2 मिनट तो सब ऑकवर्ड हो जाते हैं। मस्त है भाई, आज की फसल के बाद अच्छा वेदर हो गया, बहुत सही लग रहा है। विक्रमजीत नया घर लिया है, बहुत सही घर, बाहर से घूम फिर कर वापस आ रहा है। आज घर में बना है पूरा स्वादिष्ट हेल्दी खाना, शेयर को पता नहीं है, शेयर बाहर से हल्दीराम के समोसे और कचौड़ी खा के आया हूं, और बेस्ट मोमोज मेरे मेरे को पता है आज। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज 5th डे एंड वंस अगेन 4:30 जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू प्रूव दैट वाज नॉट अ फ्लूक, कि एक दिन मैंने बना के छोड़ दिया 4:30 बजे का, आज अगला दिन है, यकीन नहीं हो रहा था, आपको दिखाता हूँ घड़ी में, ये देखो मैं बज रहा है 4:45। एक्चुअली कल मैंने 5 फ्राइड मोमोज खा लिए थे, एक स्वीट लाइम भी पी लिया था, फिर 2 पराठे राजमा खा लिए थे, फिर राजमा चावल भी खा लिए थे, थोड़ा बैंगन का भरता भी खा लिया था, थोड़े 2 रसगुल्ले भी खा लिए थे, पनीर कटलेट, पनीर पकौड़ा, कचौड़ी मिस हो गई थी क्योंकि वो पहले को ही खा गया था, कल विक्रम जीत का गया था थोड़े कॉमिक्स से, बाकी कॉमिक्स आते हैं कूल कूल चीज़ आते हैं, आई विल गेट सम ब्राउनी ब्रो, आई विल गेट समथिंग एल्स। मैं हल्दीराम से कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा और पनीर पकौड़ा पैक करा के ले गया था, खुद ही खा लिया, ये सब खाया है शाम को 3 बजे के बाद से, 3 से रात के 9 बजे 10 बजे तक, शर्म आनी चाहिए मुझे, मन कर रहा खुद को चाटा मार दूं पटाक।